और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। जेडे मर्डर केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छोटा राजन समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया है, वहीं 2 लोगों को बरी कर दिया गया है, जिनमें पत्रकार जिग्ना वोरा और पॉलसन का नाम शामिल है। जिग्ना वोरा पर आरोप था कि जिग्ना वोरा ने ही जेडे की पहचान की थी शूटर्स के साथ, और पॉलसन ने सिम कार्ड मुहैया कराया था जिसके जरिए छोटा राजन और जिग्ना वोरा की बातचीत होती थी, लेकिन इन दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। छोटा राजन समेत 10 लोगों को मामले में दोषी ठहराया गया है। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कब इस पर फैसला होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। इस पूरे मामले पर सरकारी वकील ने क्या कहा, ये उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज 12 में से 10 आरोपी दोषी पाए गए हैं, और उनमें एक दीपक सिसोदिया छोड़ के बाकी सब मर्डर के तहत भी दोषी पाए गए हैं, और टोटली जो 10 कन्विक्ट हो गए सभी मोका के तहत भी दोषी पाए गए हैं, और कोर्ट ने सबको 302, बाद में जो मोका के है 311, 32, 34, इनके तहत सबको सजा दी है। दीपक सिसोदिया को सिर्फ कॉन्स्पिरसी 120B में, बाकी सब कॉन्स्पिरसी में है, और जो 10 और 11 नंबर थे जिग्ना वोरा और पॉलसन पलित्रा, उनको कोर्ट ने छोड़ दिया है।